Welcome to online class, class 5. Today I will discuss your mineral topic of this chapter. मैं इस chapter का mineral topic आज start कर रही हूँ और वो समझाऊँगी. Mineral means होता है खनिज. खनिज minerals are found inside on the earth crust. Mineral जो होता है वो पृथ्वी के नीचे पाया जाता है. Most minerals obtained by digging mines or quarries. बहुत सारे खनिज जो हैं वो खोद के निकाले जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर्स. बहुत सारे ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. ओर्स आर नेचुरल सॉलिड मटेरियल. ओर्स एक नेचुरल सॉलिड मटेरियल विच कंटेन मिनरल्स, जिसके अंदर मिनरल्स है. दीज मिनरल्स कैन बी एक्सक्रेटेड फ्रॉम द ओर्स. ये मिनरल्स ओर्स से अलग करे जाते हैं. सम मिनरल्स सच एज आयरन एंड गोल्ड आर मेटल्स. कुछ मिनरल्स हैं जो आयरन और गोल्ड है वो मेटल हैं. अदर्स जो है वो क्वार्ज और कैल्साइट है जो कि नॉन मेटालिक होता है. अब बात आती है मेटालिक मिनरल की. आयरन कैन बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम आयरन ओर सच एज हीमोटाइट. हीमोटाइट से आयरन जो है वो निकलता है. मोस्ट ऑफ द आयरन ओर इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील. ज़्यादातर आयरन जो बनाया जाता है स्टील बनाने के लिए. एल्युमिनियम जो होता है बॉक्साइट के लिए और कॉपर होता है पैराइट के लिए. मेटल्स आर यूज टू मेक यूटेंसिल. मेटल्स यूटेंसिल यानी बर्तन बनाने के लिए. टूल्स मशीन व्हीकल वाहन. क्वाइंस सिक्के बनाने के लिए. वायर्स जो कॉपर एल्युमिनियम के यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए. और कुछ प्रीशियस मेटल भी होते हैं जैसे प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है. इनका यूज़ करा जाता है ज्वेलरी के लिए. नॉन मेटेलिक मिनरल्स प्रीशियस स्टोन. कुछ कीमती स्टोन्स हैं, पत्थर हैं जैसे डायमंड है, एमरॉल्ड्स है, रूबीज है, टोपाज, सफायर्स. ये सारे के सारे ग्राउंड यानी ज़मीन से मिलते हैं. इनसे ज्वेलरी बनाई जाती है. जितने भी मिनरल हैं वो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. बट कोल और पेट्रोलियम जो हैं ये खनिज हैं जो कि लिविंग थिंग्स से मिलते हैं. दे आर एक्सक्रीटिंग फ्रॉम डीप इनसाइड. ये पृथ्वी में बहुत नीचे सरफेस पर होते हैं. कोल जो बनाई जाती है डेड प्लांट से बनाई जाती है. डेड प्लांट जब सड़ जाते हैं तो उनमें एक बहुत मोटा एक लंपी डाउन मटीरियल होता है, पीट, वो बन जाता है. टोन्स ऑफ वाटर मड एंड सैंड प्रेस द पीट एंड स्क्रैच इट अंडर द ग्राउंड. जो टोन्स है पानी की, कीचड़ की, ये सब जब हम प्रेस करते हैं या निचोड़ते हैं तब निकलता है. द वेट, उसका वेट जो होता है वो पीट का टर्न होके तब कोल में बदलता है. पेट्रोलियम जो होता है वो निकलता है जब डेड क्रिएचर्स को प्रेस दबाया जाता है. तो हीट एंड वेट जो होता है उसको पत्थरों को प्रेस करने से क्या होता है वो टर्न होके ऑयल में बदल जाता है. फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे कुछ फ्यूल्स हैं. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, ये सभी पेट्रोलियम से मिलती है. दीज फ्यूल आर यूज ऑन लार्ज स्केल. ये फ्यूल्स बहुत बड़े स्केल पर बनते हैं जैसे कि व्हीकल्स चलाना, मशीन चलाना, कुकिंग करना. बहुत सारी प्लास्टिक बनती है पेट्रोलियम से. पेट्रोलियम बहुत यूज़फुल है और इसीलिए इसे हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं. डिपॉजिट जहाँ पर भी मिनरल्स ओर्स में, कोल में, पेट्रोलियम में, पृथ्वी के नीचे एक अच्छी क्वांटिटी में इकट्ठा होता है. व्हेन दे आर एग्जॉस्टेड जब उसे निकालते हैं दे विल बी रिप्लेस्ड इवन इन थाउजेंड ऑफ ईयर. हज़ारों साल लग जाते हैं उसको बनने में. एज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर दीज नेचुरल रिसोर्सेज टू बी फॉर्म. हज़ारों साल, मिलियन साल लग जाते हैं इसको बनने के लिए. सो देयर कैन बी वेरी केयरफुली. इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना चाहिए. वन मेटालिक मिनरल कौन सा है वो है कोल. एक आयरन ओर कौन सा है वह हेमेटाइट. एक फ्यूल जो पेट्रोलियम के लिए यूज होता है दैट इज केरोसिन. सो टुडे योर चैप्टर इज कम्प्लीट. थैंक यू क्लास.